महोबा जिले के पनवाड़ी थाना पुलिस ने नकली नोटों के गोरख धंधे का किया पर्दाफाश। नकली नोटों के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के कब्जे से 15 लाख रुपए से अधिक के नकली नोटों सहित नोट छापने का प्रिंटर, पेपर, इंक के साथ 3 अदद मोबाइल व अपाची हुआ बरामद। मामला महोबा जनपद के पनवाड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां जनपद गाजीपुर निवासी अभियुक्त को नकली नोटों की भारी रकम के साथ गिरफ्तार किया गया है। उक्त व्यक्ति के पास से एक कूट रचित भारतीय जाली मुद्रा 15,61,800 रुपए, जिसमें 500, 200 व 100 के नोट बरामद किए गए हैं। साथ ही 3 मोबाइल फोन और अपाचे मोटरसाइकिल 6,200 रुपए भारतीय मुद्रा बरामद हुए हैं। दिनांक 30 मई 2024 को जनपदीय स्वाट एवं थाना पनवाड़ी की संयुक्त टीम द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम अंकुर कुमार बिंद, पुत्र रामकृत, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम हाटा, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश को हिरासत में लिया गया, जिसके पास से 100, 200, 500 के नकली नोट जो कि 15 लाख रुपए के करीब और एक नकली नोट बनाने के लिए प्रिंटर, इंक एवं 3 मोबाइल और एक अपाचे मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने अभी एक महीने से जो असली नोटों को जीरोक्स करके नकली नोट बनाकर भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करता था और उसने ये भी बताया कि वह यूट्यूब के माध्यम से नकली नोट बनाना सीखा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना पनवाड़ी में मुकदमा अपराध संख्या 123/24, धारा 420, 489A, 489B, 489C, 489D, 489E IPC में पंजीकृत किया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल में जाए।